हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल नमस्ते आईटीआई पे। और ये ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है, आप सबको पता है। क्लास नंबर 3 है, ये क्लास नंबर 3 है। इससे पीछे की क्लास 1 और 2 बहुत ही बेसिक सी क्लास थी, उसका पूरा सीरीज ये तो 3 चल रहा है। इसके आगे 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। जितनी कंप्लीट क्लास थ्योरी ऐप पे होंगी वहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ का कराया जाएगा। क्लास 3 है 1 और 2, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें मैं स्किप करूंगा, छोड़ूंगा, तो इसी बेस पर कि वो मैं पीछे बता चुका हूँ या मैं थ्योरी ऐप पे करा चुका हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताता चलूँ। फिर भी कुछ चीजें अगर छूट जाती हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना आप लोग, वहां पर जा करके पूरी कंप्लीट थ्योरी कवर कर लेना अच्छे से, ठीक है। आते हैं अपने प्रश्नों पर हम लोग। देखिए, सवाल नंबर 1 है, पहला सवाल है आपके सामने। डीजल इंजन में चैप्टर देख लीजिए क्या है ये चैप्टर। इससे समझ में यही आ रहा है कि चैप्टर आज का क्या है, सिलेंडर का चैप्टर है ना। क्या है? सिलेंडर, सिलेंडर है। अब जाहिर सी बात है, सिलेंडर चैप्टर चल रहा है तो सिलेंडर हेड भी पढ़ेंगे हम लोग, इसमें गैस्केट भी पढ़ेंगे और कुछ वाल्वों के बारे में भी पढ़ेंगे। इतनी सी बात क्लियर है, समझते हैं। सवाल कह रहा है, डीजल इंजन में सिलेंडर को ऊपर से बंद करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कौन सी होती है। देखिए, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर होता है वो ढलाई से बनाया जाता है, यानी कि कास्टिंग से बनाया जाता है। अलग अलग प्रकार की कास्टिंग होती है। कास्टिंग आपके चैप्टर का पार्ट नहीं है, जो बच्चे मैकेनिकल से होंगे उन्होंने पढ़ा होगा। तो ढलाई के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि उस सिलेंडर में क्या है कि हमको एक स्लॉट बनाना होता है, हम लोग स्लॉट बना देते हैं, और भी छोटे छोटे होल्स हमको बनाने होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग निर्माण करके अपना सिलेंडर तैयार कर लेते हैं, सिलेंडर ब्लॉक। अब इसको ऊपर से ढकने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, अलग से सिलेंडर ब्लॉक बनाते हैं। सिलेंडर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है वो सिलेंडर ब्लॉक हो गया आपका, ये मान के चलिए, है ना। यहाँ पे आपका क्या है, पिस्टन को मूव करने के लिए क्या बनाया गया है, स्लॉट बनाया गया है। इसके ऊपर से हम लोग क्या लगाएंगे, सिलेंडर हेड लगाएंगे जो कि इसके कैपिंग का काम करेगा। और सिलेंडर हेड जो होता है उसमें ही आपका इनलेट आउटलेट, इन सारे रास्ते, अगर डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर, नहीं तो स्पार्क प्लग, इन सभी के लिए रास्ते भी आपके जो बनाए होते हैं वो सिलेंडर हेड में ही बने होते हैं। इन सिलेंडर हेड और सिलेंडर के बीच में एक पार्ट हम लोग लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैस्केट बोलते हैं, जो कि रबर का भी बना हो सकता है, प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, साथ ही साथ आपका स्टील का भी वो बना हो सकता है, आगे देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल कह रहा है डीजल इंजन में सिलेंडर को ऊपर से बंद करने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयुक्त की जाती है, तो वो कौन सी है मेरे दोस्त, सिलेंडर हेड है ना। अब देखिए, सिलेंडर हेड किसके बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन के भी बनाए जाते हैं और एल्यूमिनियम के भी बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस धातु का सिलेंडर हेड बना होता है, तो कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा और साथ में एल्यूमिनियम का भी बनाया जाता है। अब देखिए, आपको पता है कि एल्यूमिनियम क्या है, हल्का होता है और हमको हल्का ही चीज चाहिए, इंजन का पार्ट है। लेकिन एल्यूमिनियम में बहुत सारे नुकसान भी होते हैं और बहुत सारे एल्यूमिनियम के फायदे भी हैं, आगे क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे। नहीं तो मैंने थ्योरी में आपको बताया है कि कास्ट आयरन के सिलेंडर हेड में या और साथ में एल्यूमिनियम के सिलेंडर हेड में क्या फायदे और क्या नुकसान है, क्लियर है। सिलेंडर ब्लॉक यानी कि नीचे वाली बात पर बात कर रहा है, और हेड गैस्केट के बारे में जो मैंने बताया वो बीच वाला पार्ट जो कि सीलिंग का काम करता है। आप लोग कभी कोई बोतल वगैरह देखे होंगे, बोतल ढक्कन बंद करते हैं तो बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक वाशर लगाते हैं, कोई नट बोल्ट आप कसते हैं तो नट है बोल्ट है उसके बीच में एक वाशर लगा देते हैं जिससे वो सीलिंग का काम करे। तो ये क्या करता है, आपके किसी भी प्रकार के ऑयल का, धुएं का रिसाव होने से इन दो पार्ट से रोकता है, ये गैस्केट का काम होता है ना। और क्लोज कंबशन चैम्बर, कंबशन चैम्बर 2 प्रकार का होता है, जिसमें से एक कंबशन चैम्बर क्लोज होता है, एक क्या होता है आपका, ओपन होता है ना। अब देखिए, ओपन को ही हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट कंबशन चैम्बर, और क्लोज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कंबशन चैम्बर, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फिलहाल आगे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, द डिवाइस यूज टू क्लोज द सिलेंडर फ्रॉम टॉप इन डीजल इंजन, तो वो क्या हो जाएगा आपका, सिलेंडर हेड। अब देखिए, चैप्टर नंबर 1 और 2 बहुत ही इजी था, इजी टू अंडरस्टैंड था, आपको समझने में बहुत ही आसानी हुई होगी, लेकिन चीजें जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी, तो आपको ये लगेगा कि सब्जेक्ट जो है वो टफ है ना, लेकिन सब्जेक्ट के डेप्थ में तो आपको जाना पड़ेगा। आगे बढ़े हम लोग, अगला सवाल क्या कह रहा है, सिलेंडर शीर्ष, कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आप लोगों का, है ना। बाइक चलाते हैं आप लोग, कार चलाते हैं, लेकिन उसके अंदर आप घुस करके डेप्थ में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा।
सवाल कह रहा है कि सिलेंडर शीर्ष निम्न पदार्थ का बना होता है। सिलेंडर हेड, वही हमने अभी पीछे बताया कि सिलेंडर हेड किस किस मटेरियल का बना हो सकता है, या तो वो कास्ट आयरन का बना होगा दोस्त, या किसका बना होगा, एल्यूमिनियम का बना होगा। अब देखिए एल्यूमिनियम के फायदे तो बहुत हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑप्शन ही नहीं दिया उसने, है ना। तो क्या ऑप्टिक करेंगे, ऑप्टिक करेंगे कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा। अब देखिए एल्यूमिनियम क्या होता है कि एल्यूमिनियम लगभग 3 गुना हल्का होता है। कितना हल्का होता है, 3 टाइम्स जो है वो लाइट होता है एज कंपेयर टू कास्ट आयरन। ठीक है भाई, हल्का भी है, थर्मल कंडक्टिविटी भी इसकी क्या होती है, अच्छी होती है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये महंगा मिलता है ना, ये महंगा होता है। साथ में ही अगर आपका एल्यूमिनियम का सिलेंडर हेड आप यूज करोगे तो कभी आप रिंच से खोल रहे हो, है ना, तो उसमें क्या पड़ सकते हैं, निशान पड़ सकते हैं। तो उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सटीकता से आपको खोलना और बांधना भी पड़ेगा। तो ये थोड़े थोड़े ड्रॉबैक की वजह से हम लोग क्या करते हैं, कास्ट आयरन प्रेफर करते हैं सिलेंडर हेड के लिए। क्लियर है। सिलेंडर हिज हेड इज मेड ऑफ द फॉलोइंग मेटल, वो क्या होता है आपका, कास्ट आयरन। क्लियर है। मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रयोग होते हैं। अब मल्टी सिलेंडर क्या होता है, जैसे आपने कार सुना होगा, ट्रैक्टर सुना होगा कि 3 पिस्टन का ट्रैक्टर है या 4 सिलेंडर की गाड़ी है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये है कि बाइक जो होती है वो आपकी 1 सिलेंडर इंजन होती है। आप जो वाहन चलाते हैं बाइक, वो 1 सिलेंडर इंजन है। अगर 1 सिलेंडर इंजन बोला जा रहा है, इसका मतलब 1 पिस्टन भी है उसमें, जितना सिलेंडर उतना पिस्टन रहेगा, है ना। अब देखिए आपको पता है कि 4 स्ट्रोक अगर आपके पास इंजन है तो उसमें 4 स्ट्रोक में सिर्फ 1 बार हमको पावर मिलती है, बाकी 3 बार हमारा क्या होता है, इंजन खुद घुमाता है अपने आप को, है ना, फ्लाई व्हील के द्वारा। अब इस रेगुलरिटी को बनाने के लिए, जिससे कि पावर हमको लगातार 4 बार मिले, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 सिलेंडर इंजन लगा देंगे, 4 सिलेंडर इंजन लगा देंगे। तो हमको क्या होगा, बारी बारी से हर इंजन, हर सिलेंडर, हर पिस्टन से हमको क्या मिलेगी, पावर मिलेगी। तो हमारा 3 बार हमको पावर मिल जाएगा एक ही टाइम में। तो 1 से अधिक सिलेंडर लगाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, मल्टी सिलेंडर इंजन कहलाती है। एक से अधिक है यानी कि वो क्या है, मल्टी सिलेंडर इंजन है ना। मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रयोग होता है 1 सिलेंडर तो नहीं, 1 सिलेंडर 2 पिस्टन नहीं, 1 से अधिक सिलेंडर बिल्कुल सही है ना, 1 से अधिक सिलेंडर। बी ऑप्शन क्यों नहीं सही हुआ, क्योंकि 1 सिलेंडर बोल रहे हैं और 2 पिस्टन संभव नहीं है, है ना, फिर तो अपोज्ड इंजन हो जाएगा, है ना, जो हमने पीछे पढ़ा था। यूज्ड इन मल्टी सिलेंडर इंजन अ सिलेंडर 1 सिलेंडर 2 पिस्टन मोर देन 1 सिलेंडर, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया सवाल है। निम्न में से किस प्रकार के सिलेंडर में वाल्व सीधे टैपेट के द्वारा प्रचालित किया जाता है। देखिए टैपेट, यहाँ पे आप देख रहे हैं वाल्व जो है ये क्या है, आपकी कैमशाफ्ट है, कैमशाफ्ट है। ये किससे जुड़ी होती है, आपके इंजन की क्रैंक शाफ्ट से, यानी कि शाफ्ट से जुड़ी होती है। जो इंजन का पावर मेन जहां पे मिलता है वहां से हम लोग क्या करते हैं, कैमशाफ्ट को जोड़ते हैं। अब इस कैमशाफ्ट में क्या है, छोटा छोटा उभरा हुआ कुछ इस टाइप का डिजाइन बना रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैम लॉब बोलते हैं, कैम लॉब्स बोलते हैं। अब ये जैसे जैसे घूमता है तो एक सिरा जो उभरा हुआ भाग है ये आपके किससे टकराता है, टैपेट से टकराता है। टैपेट से टकराता है तो टैपेट पुश करता है आपके वाल्व को, और रिटर्न की जो प्रोसेस होती है, पुश तो कर दिया, अब पुल कौन करेगा, खींचेगा कौन, तो खींचने के लिए लगा है अंदर स्प्रिंग। समझ में आ रही है चीजें, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। तो कह रहा है कि किस प्रकार के सिलेंडर में वाल्व सीधे टैपेट द्वारा प्रचालित होता है। तो टी प्रकार का जो सिलेंडर होता है दोस्त, देखिए सिलेंडर आपका 4 प्रकार का होता है, LIFT लिफ्ट आप याद कर लीजिए। सभी सिलेंडरों की क्या खासियत है, फिगर के साथ मैंने थ्योरी में एप्लीकेशन पे कराया है, तो उम्मीद करूंगा कि जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं वही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ले रहे होंगे, तभी कंप्लीट हो पाएंगे चीजें। तो LIFT आप यूज करेंगे। टी में हमने आपको बताया था कि टी में आपके जो है 2 कैमशाफ्ट यूज होती है, 2 कैमशाफ्ट यूज होती है ना। अब देखिए ये क्या है आपका, टी है, टी कुछ इस प्रकार का होता है, यहां पे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से क्या होता है आपका सिलेंडर होता है ना, फिगर नहीं, एक इधर वाल्व होता है एक इधर वाल्व होता है। तो इसको चलाने के लिए इधर है तो इनलेट के लिए अलग कैमशाफ्ट, आउटलेट के लिए अलग कैमशाफ्ट, इन सभी के लिए एक एक कैमशाफ्ट से ही हमारा काम हो जाता है। तो ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है ना। तो देखिए टी प्रकार के सिलेंडर हेड में क्या करते हैं हम लोग, कि सिलेंडर में वाल्व सीधे टैपेट के द्वारा प्रचालित होता है। वाल्व देखिए ये वाल्व है, वाल्व कैसे प्रचालित हो रहा है, डायरेक्ट टैपेट के द्वारा, डायरेक्ट टैपेट के द्वारा। क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें। तो टी टाइप सिलेंडर हेड, सिलेंडर
हेड के अकॉर्डिंग अगर सिलेंडर को बांटेंगे तो चार प्रकार से एल आई एफ टी। क्लियर, आगे बढ़े। निम्न में से किस प्रकार के सिलेंडर हेड में एग्जास्ट वाल्व तथा इनलेट वाल्व सिलेंडर ब्लॉक की साइड में ही स्थित होता है, यानी कि एक किनारे स्थित होता है। देखिए यहाँ पे चार प्रकार के हमने जो है जो आपको एल आई एफ टी हमने दिखाया वो सभी सिलेंडर हेड हमने यहाँ फिगर में लगाया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला पोर्शन जो है आपका क्या है, सिलेंडर ब्लॉक है। नीचे वाला पोर्शन क्या है, सिलेंडर ब्लॉक है। अब आप देखेंगे कि ये क्या है, सिलेंडर हेड है ऊपर वाला, क्योंकि ये बंद कर रहा है, कैपिंग का काम कर रहा है। अब देखिए ये क्या है, एफ हेड है। इसको आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे इनलेट वाल्व यहाँ है और एग्जास्ट वाल्व क्या है, यहाँ पे है, नीचे साइड है। ध्यान से देखिएगा, यही सवाल पूछेगा बार बार आपसे। आई हेड में आप देखेंगे तो आई हेड में आप देखिए यहाँ पे इनलेट वाल्व यहाँ है और आउटलेट वाल्व यहाँ, यानी कि दोनों ऊपर है। एल हेड में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व एक ही साइड में है, एल साइड में है ना। अब यहाँ पे देखेंगे टी हेड में क्या है, यहाँ पे इनलेट यहाँ पे है, एग्जास्ट यहाँ पे है, तो टी हेड में टी जैसा हो गया। अब सवाल क्या है आपका, सवाल कह रहा है निम्न में से किस प्रकार के सिलेंडर में एग्जास्ट वाल्व तथा इनलेट वाल्व सिलेंडर की ब्लॉक की साइड में होते हैं। तो देखिए साइड में किस में है, इधर है, एक किनारे है ना इधर एल हेड में, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इस फिगर को आप दिमाग में याद रखेंगे तो बहुत सारे सवाल आपके बन भी जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है डैश 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 के सिलेंडर हेड में वाल्व एक सिंगल कैमशाफ्ट द्वारा टैपेट पुश रॉड तथा रॉकर आर्म के माध्यम से प्रचालित होती है। अब देखिए जो टी प्रकार का सिलेंडर था उसमें हमने बताया कि दो आपकी कैमशाफ्ट लगी होती है, दो कैमशाफ्ट लगी होती है, तो ये तो पहले ही क्या हुआ आपका, बाहर हो गया। कह रहा है कि एक सिंगल कैमशाफ्ट, तो देखिए एफ में भी एक कैमशाफ्ट होती है, आई में भी होती है और एल में भी होती है। तो कह रहा है कि किसमें जो है आपका सिंगल कैम सॉफ्ट भी सिंगल तथा टैपेट तो और पुश रॉड तथा आकर राकर आर्म के माध्यम से प्रचालित की जाती है आपकी वाल्व, है ना। अभी पीछे हमने देखा सिर्फ टैपेट के माध्यम से की जा रही थी, यहाँ पे टैपेट के साथ साथ पुश रॉड तथा राकर आर्म के माध्यम से प्रचालित करना है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, एफ प्रकार का हो जाएगा, है ना। एफ प्रकार का जो सिलेंडर होता है वो इन सभी युक्तियों के माध्यम से क्या किया जाता है, वहां पे वाल्व को ऑपरेट किया जाता है। क्लियर है भाई इतनी सी बात। निम्न में से कौन सा एक एल्यूमिनियम सिलेंडर हेड का लाभ है, कहीं भी कोई दिक्कत है क्या दोस्त, कहीं भी कोई मिस्टेक है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई है ना, इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है आई। इंग्लिश पढ़ लीजिए, द वाल्व इन द सिलेंडर हेड ऑफ आर ऑपरेटेड बाई अ सिंगल कैन सॉफ्ट टैपेट। क्या कह रहा है कि जो कैम सॉफ्ट है वो सिंगल है, मैंने प्रॉपर लिखाया है कैम सॉफ्ट सिंगल है, साथ में आपका टैपेट और पुश रॉड है, इन दोनों साथ में आपका जो आप देख रहे हैं कैम सॉफ्ट सिंगल होनी चाहिए और टैपेट और पुश रॉड, इन तीनों युक्तियों के माध्यम से हम जो वाल्व चलाते हैं तो वो हमारा कौन सा टाइप का इंजन होता है, सिलेंडर होता है, वो होता है आपका आई टाइप का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक एल्यूमिनियम सिलेंडर हेड का लाभ है, वही देखिए एल्यूमिनियम सिलेंडर हेड के लाभ हैं लेकिन हानियां भी हैं, हानियां क्या है वो हमने आपको बता दिया। अब फिलहाल यहाँ पे लाभ पूछा है, तो देखिए भार में हल्के होते हैं, जाहिर सी बात है लगभग तीन गुना भारी होता है आपका कास्ट आयरन, है ना। अब देखिए शीतलन अच्छा होता है, जाहिर सी बात है थर्मल कंडक्टिविटी बढ़िया है, उसमें चालकता बढ़िया है, तो शीतलन का गुण भी क्या होगा उसमें, अच्छा ही होगा, उसमें चालकता अधिक होती है ना। अब जाहिर सी बात है कूलिंग अच्छी हो रही तो चालकता अधिक होगी ही, क्योंकि हीट को जल्दी से ट्रांसफर कर देगा वो। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एल्यूमिनियम सिलेंडर हेड, तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव आर लाइट इन वेट, कूलिंग इन गुड, हीट कंडक्टिविटी इज हायर। इंजन को ओवर हीट से बचाने के लिए सिलेंडर हेड की जाती है। अच्छा कह रहा है कि इंजन ओवर हीट ना होने पाए इसके लिए हम लोग सिलेंडर हेड में कौन सी प्रोसेस करते हैं, तो देखिए कार्बोराइजिंग करेंगे, यानी कि बहुत सारे कार्बन के डिपॉजिट कोयला डाल देंगे, बहुत ही काले काले जले हुए जो मोवी आयल होते हैं अगर बहुत ज्यादा जल जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ओवरहीट और होने लगेगा, है ना, क्योंकि रबिंग होगी पिस्टन में सिलेंडर की, क्या होने लगेगी, रबिंग होगी लगेगी, छोटे छोटे कार्बन के डिपॉजिट रहेंगे वो क्या रहेंगे, टकराने लगेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, डी कार्बोराइजिंग। डी कार्बोराइजिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पिस्टन सिलेंडर के अंदर कोई ऑयल है जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो चला जाता है और वहां पे जल जाता है, जब जल जाता है तो वहां से बहुत तेजी से धुआं निकलने लगता है और वहां पे कार्बन के छोटे छोटे डिपॉजिट छोड़ देता है, उस कार्बन के डिपॉजिट को क्या करना, बाहर निकालना,
बाहर निकालना क्या कहलाता है आपका, बाहर निकालना कहलाता है दोस्त डीकार्बोनाइजिंग, किसका, कार्बन का। तो ये हम लोग क्यों करते हैं, जिससे कि इंजन ओवरहीट से बच सके, इंजन ओवरहीट ना होने पाए, है ना। बाकी ग्राइंडिंग आप जानते ही हैं, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस होती है ग्राइंडिंग, क्लियर है। तो क्या कह रहा है, द सिलेंडर हेड इज कीड टू प्रोटेक्ट द इंजन फ्रॉम ओवरहीटिंग। तो क्या करते हैं हम लोग ओवरहीटिंग से बचाने के लिए, डीकार्बोनाइजिंग करते हैं। आगे बढ़े, ओपन कंबशन चैम्बर को अन्य के नाम से जाना जाता है। देखिए कंबशन चैम्बर दो प्रकार का होता है, कंबशन चैम्बर एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट बोलते हैं, और क्लोज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष। कम ओपन कंबशन चेंबर को और किस नाम से जानेंगे हम लोग, तो ओपन को हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे, यानी कि प्रत्यक्ष दहन कक्ष। और अप्रत्यक्ष दहन कक्ष के अंतर्गत ही आता है आपका भंवर कक्ष। भंवर कक्ष क्या होता है, जैसे आपने कंबशन चेंबर बनाया है ना, और उस कंबशन चेंबर को अंदर थोड़ा सा कर्वेचर दे दिया, समझ रहे हैं आप। अगर पानी की धारा कहीं पे आप सीधे स्थान पे यहाँ पे फ्लैट जगह पे मारेंगे, मान के चलिए कि पानी है, पानी के साथ में आपको कोई कलर मिलाना है, रेड कलर मिक्स करना है पानी में, तो आप बाल्टी में एकदम शांत पानी रखा हुआ है वहां पे कलर डालेंगे तो मिक्स नहीं होगा वो। उसके लिए आप क्या करते हैं, टर्बुलेंस फैलाते हैं वहां पे, वहां पे क्या करते हैं, बहुत तेजी से उसको हिलाते डुलाते हैं ना, ऐसा करते हैं। तो यही काम करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे भंवर कक्ष बनाया, जिससे कि आपका डीजल और साथ में हवा अच्छे से मिक्स हो पाए। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या दिया, थोड़ा सा स्लोप दिया, जिससे कि क्या बन पाया आपका, भंवर कक्ष बन पाया। आगे हो सकता है कि सवाल मिलेगा भी, है ना। फिलहाल इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। ओपन कंबशन चैम्बर इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट कंबशन चैम्बर, क्लियर है। आगे बढ़े, भंवर चैम्बर में हवा को गर्म करने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। देखिए अभी पीछे हमने जो दिखाया आपको, पीछे जो हमने दिखाया कि आपके पास क्या होता है, व्हर्ल पूल चैम्बर होता है, भंवर कक्ष होता है, जो कि अप्रत्यक्ष दहन के कक्ष के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हल्का सा जो है कंबशन चैम्बर में हल्का सा स्प्रिल देने के लिए, यानी कि हल्का सा टर्बुलेंस देने के लिए, यहाँ पे इसका जो है थोड़ा सा यहाँ पे कर्वेचर देते हैं, थोड़ा सा कर्व देते हैं, जिससे आकर के हवा इसे टकराए, और टकराने के बाद वो घूमे 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 तो क्या होगी, जब घूमेगी तो हवा अच्छे से डीजल के अंदर मिक्स हो पाएगी। तो देखिए सवाल क्या था अपना, हाँ देखिए, इस जगह पे जहां पे ये घूमती है, यहाँ पे एक हम लोग हीटिंग गन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक हीटिंग गन लगाते हैं, है ना, हीटिंग गन लगाते हैं, जिससे कि ये जो आपकी हवा है मिक्स हो रही डीजल के साथ, ये अच्छे से गर्म हो पाए, और गर्म हो जाएगी तो और अच्छे से इसका दहन हो पाएगा, जिससे आपकी इंजन की एफिशिएंसी, यानी कि दक्षता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे कार्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, भंवर चैम्बर में हवा को गर्म करने के लिए हीटर प्लग का प्रयोग करते हैं। तो पूछेगा आपसे सवाल, पहली बात तो भंवर चैम्बर किसके अंतर्गत आता है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो आपको वो बताना है कि भैया वो इनडायरेक्ट है। किस प्रकार के दहन कक्ष में हीटर प्लग लगा होता है, ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, तो एक एक पॉइंट को समझिएगा। इज यूज टू हीट दैट एयर इन द व्हर्ल पूल चैम्बर, तो क्या हो जाता है आपका, हीटर प्लग। फिर क्या कह रहा है, इंजन के अंदर सिलेंडर हेड एवं ब्लॉक के मध्य उत्पन्न दाब को नियंत्रित करने वाली युक्ति है। इंजन के अंदर सिलेंडर हेड और ब्लॉक, सिलेंडर हेड वाला पार्ट यानी कि ऊपर वाला पार्ट हो गया, ब्लॉक वाला पार्ट यानी कि नीचे वाला पार्ट हो गया, उत्पन्न दाब को कंट्रोल करने के लिए, इसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इसको कंट्रोल, ये बाहर ना निकलने पाए, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो हेड गैस्केट लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्त, हेड गैस्केट लगाते हैं, ठीक है। देयर इज अ डिवाइस इनसाइड द इंजन टू कंट्रोल द प्रेशर जनरेटेड बिटवीन द सिलेंडर हेड एंड ब्लॉक, तो वो क्या हो जाएगा आपका, हेड गैस्केट हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए ये है आपका हेड गैस्केट, समझ में आया, नीचे वाला सिलेंडर ब्लॉक हो गया, ऊपर वाला हेड हो गया, इन दोनों को कैपिंग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हेड गैस्केट लगा देते हैं। तो वही कह रहा है, हेड गैस्केट किसका बना होता है, तो हेड गैस्केट आपका एल्युमिनियम का भी बना हो सकता है, तांबा का भी बना हो सकता है, फाइबर का भी हो सकता है, साथ में रबर ऑप्शन में हो तो रबर भी हो सकता है। तो इसके सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। हेड गैस्केट किसका बनाया जाता है, एल्युमिनियम, कॉपर, फाइबर, रबर, इन सभी मटेरियल का हम लोग बना सकते हैं। आगे बढ़े, इंजन में ज्वलनशील मिश्रण को गोल घूमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टर्बुलेंस कहलाती है, अभी पीछे हमने देखा है ना,
यहाँ पे आपने भंवर कक्ष के बारे में पढ़ा था, समझा था अभी हमसे, तो हम लोग क्या यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंस कहते हैं, है ना। आप लोग जब वॉशिंग पाउडर जब बाल्टी में पानी में डालते हैं तो वो भी क्या करता है, वो टर्बुलेंस करता है। वही कार्य आपको यहाँ पे भी करना है। द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग द कम्बशन मिक्सचर इन एन इंजन इज कॉल्ड, वो क्या हो जाएगा आपका, टर्बुलेंस हो जाएगा। फिर क्या है आपका, एग्जॉस्ट वाल्व सोडियम से भरा होता है। अच्छा हाँ, जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है, आप ये बताइए, दो सवाल है आपसे, एक है आपके पास इनलेट वाल्व, एक है आपके पास इनलेट वाल्व, एक है आपके पास आउटलेट वाल्व, इसमें से किसका डायमेंशन, किसकी किसका डायमीटर, वाल्व आपका ऐसा होता है आपने देखा इस प्रकार से, है ना, ये क्या है, गोलाकार होता है, ये क्या है, ये गोलाकार होता है, तो इसमें से किसका डायमीटर बड़ा और किसका डायमीटर छोटा होगा, तो ध्यान रखिएगा जो इनलेट होगा ना उसका बड़ा होगा डायमीटर, जो आउटलेट होगा क्या होगा, उसका छोटा होगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में मैकेनिकल से सीट निकली हुई थी, वहां पे मेरा रिटर्न क्वालिफाई था, इंटरव्यू में मुझसे यही सवाल पूछा गया था कि आईसी इंजन में, मैकेनिकल से हूं मैं तो मैकेनिकल का आईसी इंजन पार्ट है, मुझसे पूछा गया आपका फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने बताया आईसी इंजन, आरएसी बताया और प्रोडक्शन बताया, और फिलहाल आजकल मैं वही पढ़ा भी रहा हूँ। तो उन्होंने हमसे पूछा कि इनलेट वाल्व का डायमीटर बड़ा है या आउटलेट वाल्व का, तो मुझे उस टाइम पे ये चीजें नहीं पता थी क्योंकि मेरी शुरुआती दौर था, हमारी तैयारी भी पढ़ाई भी उतनी इफिशियंट नहीं थी। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए, ये सवाल आरएस खुरमी नाम की मैकेनिकल की ऑब्जेक्टिव बुक है, उसमें भी डायरेक्टली दिया हुआ है। एक सवाल ये हो गया, है ना। अब अगला क्या है, हाँ आपको ये भी बताना है कि इनलेट वाल्व ज्यादा हीट होगा या आउटलेट वाल्व ज्यादा हीट होगा। आउटलेट वाल्व वो होता है जहां से धुआं निकलता है, गैस जलने के बाद आपकी गैस निकलती है, यानी कि ईंधन आपका जल गया और निकालने के लिए किसका यूज करते हैं आप लोग, आउटलेट वाल्व का यूज करते हैं, जहां से एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां से गर्म हवा निकल रही है वही तो गर्म होगा। साइलेंसर बाइक का, कार का बहुत ज्यादा गर्म होता है, अगर हाथ पैर टच कर जाए तो रेड कर देता है शरीर को, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए जब भी आप आउटलेट वाल्व लगाएंगे तो आउटलेट वाल्व का मटेरियल कोशिश करेंगे कि अलग हो, जैसे कि स्टील, स्टेनलेस स्टील आप लगा दीजिए, या उसके वाल्व में अंदर की साइड आप क्या भर दें, सोडियम भर दें, यहाँ पे क्या भर दें आप लोग, सोडियम भर दें बीच में, जिससे कि इसकी शीतलन की गुण जो है बढ़ जाए। एग्जॉस्ट वाल्व सोडियम से भरा होता है, वाल्व को सोडियम भरने का कारण क्या है, वाल्व के उचित शीतलन, बेटर कूलिंग के लिए, वाल्व के तापन के लिए, घर्षण कम करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द एग्जॉस्ट वाल्व आर फिल्ड विद सोडियम, व्हाट कॉज द वाल्व टू फिल्ड विद सोडियम, फॉर हीटिंग वाल्व, फॉर बेटर कूलिंग वाल्व, तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, बी हो जाएगा। क्लियर है। इंजन में वाल्व का कार्य क्या है, इंजन में वाल्व का काम बताइए, वाल्व का काम क्या होता है, वायु ईंधन मिश्रण को कंबशन चेंबर में प्रवेश कराना, वायु ईंधन मिश्रण को जलाना, नहीं जलाना तो नहीं होगा, वायु ईंधन मिश्रण को घुमाना, वायु ईंधन मिश्रण के घूमने हेतु दाउ, नहीं नहीं ये सारे गलत हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वाल्व का भाई काम क्या होता है, या तो कंबशन चेंबर के अंदर लाना या कंबशन चेंबर से गैस को बाहर निकालना, तो बाहर निकालने वाला तो ऑप्शन है नहीं, दो काम होते हैं, इनलेट वाल्व से अंदर आता है, आउटलेट वाल्व से धुआं जो है आपका बाहर जाता है। द फंक्शन ऑफ वाल्व इज इंजन टू एंटरिंग द एयर फ्यूल मिक्सचर इनटू द कंबशन चेंबर, है ना, तो क्या हो जाएगा ये, ए हो जाएगा। अच्छा यहां से एक बात और आपको पकड़ना है, कह रहा है एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, एसआई इंजन है या सीआई इंजन है, जाहिर सी बात है कि ये क्या है आपका, एसआई इंजन है, यानी कि पेट्रोल इंजन है, क्योंकि पेट्रोल में ही आपका हवा और ईंधन एक साथ जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। ऐसे वाल्व जिनसे तरल पदार्थ या गैस निकल तो सकते हैं परंतु वापस नहीं आ सकते। देखिए नॉन रिटर्न वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब ये होता है कि सिर्फ इसमें एंट्री होती है, एग्जिट नहीं, है ना, तो क्या है नॉन रिटर्न वाल्व, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वाल्व फ्रॉम विच लिक्विड और गैस कैन कम आउट बट कैन नॉट बैक आर, वो क्या हो जाएगा आपका नॉन रिटर्न वाल्व, इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, फिर भी मैंने पढ़ाया है भाई। बड़े इंजनों में सोडियम फिल्ड वाल्व का प्रयोग क्यों किया जाता है, सोडियम वाल्व का, भरे हुए वाल्व का सिर्फ इसीलिए प्रयोग किया जाता है जिससे कि अच्छी उनकी कूलिंग बेटर हो पाए, तो यहाँ पे क्या है आपका ढूंढ लीजिए, इनटेक वाल्व के रूप में स्टेम, अच्छा ये पूछ रहा है कि किसमें किया जाता है, तो कूलिंग की किसमें जरूरत होती है, इनलेट में कि आउटलेट में, कौन ज्यादा गर्म होता है, आउटलेट वाला जहां से धुआं निकलता है, तो इसलिए हम लोग एग्जॉस्ट वाल्व में क्या करेंगे, इसको सही टिक करेंगे।
चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए। सोडियम फिल्ड वाल्व आर यूज इन लार्ज इंजन एज इंटेक वाल्व, एज स्टीम वाल्व, एज एग्जॉस्ट वाल्व। तो क्या हो जाएगा वो? एग्जॉस्ट वाल्व इज द करेक्ट आंसर। एग्जॉस्ट वाल्व बनाने में प्रयुक्त धातु है। एग्जॉस्ट वाल्व जो बना होता है किसका बना होता है? हमने अभी बताया कि बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, तो ऐसे मटेरियल का आपको यूज करना है जो ज्यादा टेम्परेचर को बियर कर पाए, सह पाए, है ना। तो ऐसे में आप स्टेनलेस स्टील का यूज कर सकते हैं या आप निकेल स्टील का भी यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन स्टेनलेस स्टील क्या होता है? निकेल स्टील और क्रोम, अच्छा क्रोम मॉलिब्डेनम अलॉय भी दिया हुआ है, तो ये क्या है? और ज्यादा टेम्परेचर को रेजिस्ट कर पाएगा, तो इसलिए इसका सी वाला सही ऑप्शन होगा और बी वाला सही होगा। स्टेनलेस स्टील है, बढ़िया है, बट ऑप्शन में आपका क्या है? निकिल है, ये ज्यादा अच्छे से दे पाएगा, है ना। निकिल ज्यादा कठोर होता है और साथ में आपका क्रोमियम मॉलिब्डेनम का एलॉय यानी कि मिक्सचर है दोनों का, तो ये और ये, तो बी और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमने यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं, पढ़िए इसको। द इनटेक वाल्व आर मेनली मेड ऑफ क्रोम, निकेल एंड टंगस्टन। जो इनटेक वाल्व होता है वो किसका बना होता है? क्रोमियम का बना होता है, निकिल का बना होता है या तो टंगस्टन का बना होता है ना, साथ में स्टील का भी हो सकता है। एंड द एग्जॉस्ट वाल्व आर प्राइमरीली मेड ऑफ द हाई हीट रेजिस्टेंस मेटल सच एज नाइक्रोम, नाइक्रोम का वायर होता है ना, सिलिकॉन क्रोमियम और कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय। किसका बना हो सकता है? वो हो सकता है आपका नाइक्रोम का, सिलिकॉन क्रोमियम का और कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय का बना हो सकता है, क्योंकि उसको हाई टेम्परेचर बियर करना पड़ता है। इनटेक वाल्व मुख्य रूप से क्रोम, निकिल, टंगस्टन, स्टील के बने होते हैं और निकास वाल्व मुख्य रूप से उच्च गर्मी प्रतिरोधी धातुओं जैसे कि नाइक्रोम, सिलिकॉन क्रोमियम, कोबाल्ट क्रोमियम आदि मिश्र धातु के बने होते हैं। द मटेरियल यूज इन मेकिंग एग्जॉस्ट वाल्व, तो कहा जाएगा आपका निकिल और साथ में आपका क्रोम मॉलिब्डेनम एलॉय। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम से बने सिलेंडर हेड में डैश डैश की बनी वाल्व सीट बनाते हैं। देखिए, जब अगर सिलेंडर हेड आपका किसका बन जाए? एल्यूमिनियम का बन जाए, तो वहां पे जो वाल्व की सीट बनेगी वो किसकी बनेगी? आपकी ब्रॉन्ज की बनेगी। किसकी बनेगी? ब्रॉन्ज की बनेगी, ब्रॉन्ज की बनती है। तो यहाँ पे ये ब्रॉन्ज ऑप्शन में सी नंबर क्या है आपका? सही है। कास्ट आयरन, स्टील, ब्रॉन्ज, मोनल मेटल। सिलेंडर हेड मेड ऑफ एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम या कास्ट आयरन का बनता है सिलेंडर हेड। अगर आप एल्यूमिनियम का बना रहे हैं तो वहां पे आप जो वाल्व की सीट बनाएंगे वो किसकी बनेगी आपकी? वो बनेगी आपकी ब्रॉन्ज की। क्लियर है, आगे बढ़े। वाल्व ट्रेन में निहित युक्ति है, यानी कि वाल्व की जो पूरी संरचना होती है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो रॉकर आर्म होती है जो कि रॉकर शाफ्ट से जुड़ी हुई होती है, कुछ इस प्रकार से चिड़िया जैसा इसका संरचना होता है। पुश रॉड पीछे के फिगर में हमने दिखाया आपको, यहाँ पे कोई फिगर ऐड नहीं है। कैम सॉफ्ट जिसके मदद से आपका वाल्व ओपन और क्लोज होता है। तो ये सारी डिवाइसें किस में आती हैं? आपकी वाल्व ट्रेन में आती हैं, चाहे वो रॉकर आर्म हो, चाहे वो पुश रॉड हो, चाहे कैम सॉफ्ट हो, तो यानी कि ऑल ऑफ दी अबव आंसर इज द करेक्ट। पिस्टन इंजन में वाल्व के खुलने एवं बंद होने के निश्चित समय को क्या कहा जाता है? तो वाल्व टाइमिंग कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? वाल्व टाइमिंग। पिस्टन इंजन में वाल्व के खुलने और बंद होने का निश्चित समय होता है, ऐसा नहीं कि कोई कभी भी खुल जाए। इसीलिए आप लोग पढ़ते होंगे वाल्व टाइमिंग डायग्राम, है ना। वाल्व टाइमिंग डायग्राम मैं थ्योरी में अभी कवर नहीं कराया हूँ, आगे के चैप्टर में पढ़ाऊंगा ये। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि कब डीजल इंजन में क्लोज होता है, कब आपका ओपन होता है, ये डिग्री बाई डिग्री पूछा जाता है। तो इसका फिलहाल सही आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। आगे बढ़े। कैम सॉफ्ट पर कैम लॉब्स की संख्या कितनी होती है? देखिए, जितना सिलेंडर रहेगा उसका दो गुना कैम पे लॉब्स होगा। क्यों लॉब्स होगा? एक सिलेंडर में कितने वाल्व होंगे? दो वाल्व होंगे ना भाई, दो वाल्व होंगे, इसीलिए सिलेंडर एक तो दो गुना। अगर दो सिलेंडर है आपके पास तो कितना है, याद रखिएगा ऐसे, कितने वाल्व रहेंगे? तो एक, दो, तीन, चार, चार ठो वाल्व हो गए ना, इसलिए यहाँ पे सिलेंडर की संख्या के दो गुनी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ कैम लॉब्स ऑन द कैम सॉफ्ट इज डबल द नंबर ऑफ सिलेंडर। क्या हो जाएगा? डबल दी नंबर ऑफ सिलेंडर। डिटेल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो चैप्टर वन और टू आपने देखा बहुत ही इजी था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपको पढ़ना है, वही एग्जाम में आएगा। इजी चार से पांच क्वेश्चन आएगा, वो पास नहीं कराएगा आपको। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टैपेट कहाँ पे टिका होता है? देखिए, टैपेट कहाँ पे टिका हुआ है? ये क्या है? ये वाला पोर्शन जो इधर बाहर आपका दिखा हुआ है, स्प्रिंग के बाहर, स्प्रिंग अंदर है ना। स्प्रिंग क्या करती है? इसको उठाती है, रिटर्न कराती है वाल्व को, और नीचे की तरफ कौन धकेलेगा? तो ये कैम लॉब्स, ये क्या बनी हुई है?
ये लॉब्स है, कैम लॉब इसको बोलते हैं। देखिए आपका टैपेट किस पे टिका हुआ है, तो कैम लॉब पे टिका हुआ, किस पे टिका है, कैम लॉब पे। क्या है यहाँ पे, कैम लॉब ऑप्शन इस पे है, कैम लॉब पे, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो टैपेट्स हिंज ऑन दी कैम लॉब्स। आगे सारे क्वेश्चन हो गए हैं खत्म, तो चैनल से जुड़ जाइए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपनी फीस ही समझिए ये ऑब्जेक्टिव। जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो आपकी फीस ही यही है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं और भी ज्यादा एफिशिएंसी से आपके लिए काम कर पाऊँ, यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से कवर हो पाए। और एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही हैं, तो जाकर के प्लीज डाउनलोड करें आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पढ़िए अच्छे से, मेहनत करिए। हमसे कुछ बात करना है, कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं, 7800-3660-21 इस पे आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी ऐप डाउनलोड करोगे वहां पे व्हाट्सएप का बटन मिल जाएगा, तो नंबर सेव भी नहीं करना है मेरा, डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे, हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास क्या रहेगी, सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, पिस्टन रिंग पे हम लोग करेंगे, है ना। धन्यवाद, थैंक यू।